ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स गैंग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। यमुना एक्सप्रेसवे पर जानलेवा स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हुए बाइकर्स गैंग के ये लोग, बाइकर्स गैंग की इन हरकतों से आम जन भी काफी परेशान है। तो आपको बता दें कि ये यमुना एक्सप्रेस वे का ये पूरा वाक्या है। देख सकते हैं आप कैसे जानलेवा स्टंट करते हुए ये सभी बाइकर्स गैंग के लोग दिख रहे हैं, और इससे जो नॉर्मल लोग हैं जो अपना डेली रूटीन पर इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे अगर आपके सामने कोई भी अचानक से स्टंट करते हुए सामने आ जाए तो आपकी भी गाड़ी या बाइक जो भी है डिसबैलेंस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको पूरी तरीके से तोड़ते हुए बाइकर्स गैंग के लोग नजर आ रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ ये बाइकर्स गैंग दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसे कई वाक्य यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि R9 पर एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे ये बाइकर्स गैंग एक के बाद एक स्टंट कर रहे हैं। ये कभी अगले पहिए को उठा रहे हैं तो कभी पिछले पहिए को उठा रहे हैं तो कभी खुद बाइक पर खड़े होकर बाइक चला रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये बिल्कुल बीचों बीच रोड पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नवी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से बाइकर्स गैंग का ये बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है? अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई लंबा एक्सप्रेसवे है या कोई 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे है तो वहां पर ऐसे बाइकर्स गैंग के लोग आ जाते हैं और इस प्रकार के स्टंट करते हुए नजर आते हैं। जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है कोई नया मामला नहीं है, ऐसे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। क्योंकि लगातार जो एक्सप्रेसवे पर जो बाइकर्स गैंग है ये स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर जो पुलिसकर्मी है और यातायात का जो कोई पुलिसकर्मी है वो वहां मौजूद नहीं रहते, जिसके कारण ये लगातार जो है एक्सप्रेस वे पर अपना आतंक मचाते हैं और स्टंट करते नजर आते हैं। नदीम, कहने को तो पूरे एक्सप्रेस वे पे कहा जाता है कि ये सीसीटीवी कैमरे से लेस है, जो भी जो चीजें होती हैं उन पर नजर रखी जाती है, प्रशासन इस पूरे वाक्य को लेकर टाइट रहता है, लेकिन इस प्रकार से हमेशा देखने को मिलता है कि बाइकर्स गैंग हो या कोई भी गैंग इस तरह से स्टंट करते हुए बीच रोड पर नजर आते हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे किस प्रकार के, प्रशासन कहाँ है? देखिए, इस मामले में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार लापरवाही बरतता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन इतना जो असर थोड़ा सा खबर चलने के बाद जो प्रशासन है उसको संज्ञान में लेने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नदीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।